नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल नेक्स्ट इक्विपमेंट पे। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड सीधी भर्ती आया है। टोटल 806 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी कर दिया गया है। केवल केवल अगर आप 10 भी पास हो तो आप इस फॉर्म के अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीधी भर्ती होगा। ऑल ओवर इंडिया अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से जानकारी देंगे जो भी वैकेंसी आया है फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ जो भी वैकेंसी आया है फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, OSSC की तरफ से, फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। टोटल 806 पोस्ट है। यहाँ पे ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 806 पोस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी आया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे दी गई है। पोस्ट नेम जो है फॉरेस्ट गार्ड है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 806 है। आपको अप्लाई मोड यहाँ पे जो है दोस्तों ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सैलरी की अगर हम बात करें 5,200 से लेके 20,200 रुपये, उसके साथ साथ ग्रेड पे आपको मिल जाएगा जो है 1900 रुपये प्रति माह के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एज लिमिट, तो मिनिमम एज आपका यहाँ पे 18 साल रखा गया है, मैक्सिमम 32 साल रखा गया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप SC ST कैंडिडेट तो आपको 5 साल के एज में छूट मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल पे आपको एज में छूट मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें, जनरल OBC के लिए 100 रुपये रखा गया है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल केवल अगर आप 10 भी पास हो किसी भी बोर्ड या तो फिर इंस्टीट्यूट से, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका जॉब लोकेशन हो जाएगा ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, ये आपका हो जाएगा ओडिशा में आपका जॉब लोकेशन। कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है पूरा डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट जो यहाँ पे 29 नवंबर से शुरू हो गया, लास्ट डेट जो रखा गया वो 29 दिसंबर को रखा गया है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो 29 दिसंबर से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक डायरेक्टली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है, आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।